आदमी जितना ताकतवर हो उसके खिलाफ नहीं, खाली बेबुनियाद हुआ सर। आप तो आग लगाने वाले काम करें, झूठो पूछ के आप किसी को फंसा दीजिए। पप्पू यादव आग लगा रहे हैं। जी हाँ, बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने प्रेम जीवर के एक युवक के ऊपर, जिसका नाम सोनू है, एसआईटी गठित करके जांच के लिए कहा, तो वहीं पे उसके चचेरे भाई वार्ड नंबर 4 के वो वार्ड पार्षद है, उन्होंने उन्हें सीधे कहा कि आप आग लगाने का काम करें, आपके पास क्या सबूत है कि आप सीधे सोनू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसी ने उन दोनों बच्चों के साथ दुष्कर्म किया और मार के पानी में फेंक दिया। आपको बताते चले, प्रेम जीवर पंचायत और देगलू पंचायत के बीच में जो चौर है और भारत भट्टी के पास जो जहाँ पे हादसा हुआ, जहाँ दोनों बच्चों की लाशें एक के बाद उसी पोखर से निकलती है और ये पूरे रहस्यमय तरीके से ये पूरी घटनाक्रम होती है, पोस्टमार्टम हो जाता है, डूबने की बात आ जाती है, 4-4 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। उसके बाद आज यहाँ पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के मुखिया डॉक्टर मुन्ना खान जो जिला अध्यक्ष है, चुनमुन यादव और पप्पू सरदार और जिसान फारूकी जो आप तस्वीरों में देख सकते मुखिया वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते, तभी वहाँ पे सोनी का जो चचेरा भाई वार्ड नंबर 4 का वार्ड पार्षद, उन्होंने सीधे पप्पू यादव पे कहा कि आप आग लगाने काम करें। और क्या कहा वहाँ पे उन्होंने, साथ में वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि वहाँ एक जनपति ने कहा कि वहाँ पे शराब का और भी बहुत सारा चीज़ों का अड्डाबाज हो चुका था भट्टी के आसपास का। सुनते हैं, आदमी जितना ताकतवर हो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप गाँव के किसी लोगों से पूछिए सोनवा यहाँ का गुंडा है या नहीं, किसी से बुनियादी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर आप डायरेक्ट एग्जाम लगाया जा रहा है, इस सबको अकेले नहीं हुआ क्या, ये कोई जरूरी नहीं हुआ कि सोनू के ऊपर। मैंने साफ शब्दों में आप कैसे जानने गए सर पटना से कि जो सोनू इस तरह का, मैंने कहा उसको उठा पूछे नहीं सर, ये कोई बेबुनियादी, आप किसी आपको कोई कहा इसके ऊपर है कि आप लगा दे एग्जाम, ये कोई अच्छी नहीं है सर। नहीं, आप कौन, उसका भाई हो जी? जी हम सोनू का नाम लिए नहीं, खाली बेबुनियाद हुआ सर। आप तो आग लगाने वाले काम करें, झूठो पूछ के आप किसी को फंसा दीजिए। बेबुनियादी थोड़ी हुआ सर, कह दिया तो कह दिया। नहीं सर, बेबुनियादी आप झूठो कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कैद को छोड़ दीजिए उसको बोलने। मैंने कह दिया कि कैसे कह सकते हैं, मैंने कहा एसआईटी इंक्वायरी में सोनू को जांच के लिए ना बोले, जांच में दोषी होगा ठीक है, मैंने तो बोल दिया जांच करिए सोनू को बुला करके, जांच आ जाएगा सामने तो फिर क्या कीजिए। बहुत क्लियर है, तुम बड़ा भाई मोनू हो ना? नहीं नहीं, क्या हम चचेरे भाई हूँ, चचेरे भाई मोनू थाना में रहता है, उसके पहले भी उसको हटाया गया। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है सर की हटाया गया, मोनू थाना में रहता उसके पहले भी हटाया गया था, और पप्पू यादव जो बोल दिया वो अडिग है, उसको भगवानों नहीं रोक सकता। मैं जांच का मांग किया हूँ, जांच हो और मैं जांच कराऊंगा। एक एक आदमी के नाम हो जाने सुनियो ना, के बाद सुनियो, विस्फोट कर रहे सुनियो, नहीं बकस नहीं सर, हम भट्टा जो भट्टा जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ से 100 फीट की दूरी होगी जहाँ पे घटना हो, वापस सीसीटीवी कैमरा है, भट्टे मालिक को तो नहीं बताया जा रहा, वहाँ के कोई स्टाफ को उसको खंगाला नहीं जा रहा प्रशासन के द्वारा। सर मैं बहुत क्लियर आपको कहा कि 12 लड़के कौन हैं और भट्टे का उस डूबा होगा तो सीसीटीवी में भी होगी, बच्ची उधर गई होगी तो सीसीटीवी में भी होगी, मछली पालन भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज अच्छा नहीं है, पालन में वो लोग आते रहते हैं लेकिन कोई लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उस टाइम, वही बात हो सकता है कि मल्ला को भी बचाया जा रहा हो उस बीच में, इतने सारे लोग 300-400 लोग। सर आप बहुत क्लियर समझिए कि इस बच्ची का बलात्कार हुआ और इसको बलात्कार करके मार दिया गया, बहुत क्लियर।